इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर की फेज डायग्राम के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी फेज़ रूल का बड़ा महत्व हो जाता है। तो फेज़ रूल, हम फेज डायग्राम समझ रहे हैं वाटर के लिए। हम जानते हैं कि वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि वाटर के तीन फेज जो हैं, वाटर सॉलिड में, वाटर आपके पास लिक्विड में, और वाटर आपका गैसेस फेज में। सॉलिड फेज में ये आइस कहलाता है, लिक्विड फेज में जब होगा वाटर कहलाता है, और गैसेस फेज में ये क्या कहलाता है, वेपियर कहलाता है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, वन हो जाएगा, क्योंकि आइस को, वाटर को, वेपर को, तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ही केमिकल सिंबल की जरूरत पड़ रही है, जो क्या है, H2O है। तो कंपोनेंट कितने हो गए, एक। मिनिमम कितने फेज हो सकते हैं, मिनिमम फेज कितने हो सकते हैं, मिनिमम एक फेज हो सकता है, मैक्सिमम तीन फेज हो सकते हैं। वाटर आइस में रहेगा तो एक फेज तो है ही कम से कम। तो इसमें मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ, वो क्या रूल, फेज रूल लगा के C-P+2। ये इस फेज रूल को अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ कंपोनेंट मेरे पास वन है, नंबर ऑफ फेज मेरे पास वन है, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ। मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई, दो। एफ का दो आने का मतलब क्या है कि आपके पास जो मिनिमम वेरिएबल होंगे किसी फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कितने होंगे, दो। और वो वेरिएबल कौन कौन से होंगे, वेरिएबल कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर। मिनिमम कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल, टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब इस फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टेम्परेचर या प्रेशर, दो वेरिएबल हैं जिनको चेंज कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन जो है, इसी सिचुएशन में जब आपका फेज कितने हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो जाए, नंबर ऑफ कंपोनेंट आपका एक हो जाए, तो उस समय मैं फेज निकाल सकता हूँ, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। एफ की वैल्यू दो है, सी की वैल्यू आपके पास वन है, फेज आपको निकालना है प्लस टू, तो फेज आ जाएगा आपके पास कितना, फेज कितना आ जाएंगे आपके पास, इसे सॉल्व करेंगे तो तीन फेज आ जाएंगे। तो पी फेज कितने होंगे, तीन फेज हो सकते हैं। ये क्या है, मैक्सिमम कंडीशन है। मिनिमम आपके पास कितने फेज हो सकते हैं, मिनिमम फेज कितने हैं, एक, और मैक्सिमम फेज कितने हैं, तीन फेज हैं आपके पास। कौन कौन से, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड, और H2O क्या, गैस। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर डायग्राम के स्टडी करते हैं फॉर थ्री फेजेस, इन तीन फेज के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, फेज डायग्राम कहते हैं। फेज डायग्राम हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का ऐसा ग्राफिकल ग्राफ वाला डायग्राम होता है, जिससे हम टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल रखते हुए फेज की क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो ये बेसिक सी बात हमने आपको यहाँ पे बताई। अब मुझे फेज जो डायग्राम है वाटर का, उस फेज डायग्राम को आपको समझाना है। और उस फेज डायग्राम को मैं कैसे समझाऊंगा, हमारे पास पहले एक कर्व लेते हैं। मैंने कहा था दो वेरिएबल आपके पास हो सकते हैं, और वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक आपके पास टेम्परेचर है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, आपके पास प्रेशर है। तो दो कोऑर्डिनेट है, टेम्परेचर और प्रेशर। आप टेम्परेचर और प्रेशर का रोल यहाँ देखने वाले हैं। प्रेशर आप एक तो रखेंगे 4.5 mmHg, और दूसरा आप रखेंगे 1 ATM, और तीसरा आप रखेंगे 218 ATM। ऐसी वैल्यू क्यों रखी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। 0.0075°C, 100°C, और 373°C। इन पॉइंट को मुझे, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक कोऑर्डिनेट पे मेरे पास टेम्परेचर है, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे मेरे पास क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब है, अभी हम समझेंगे। इस ट्रिपल पॉइंट पे तीन कर्व मिलते हैं। पहला जो कर्व है वो OA कर्व है, ये पॉइंट आपका O है, तो पहला कर्व OA है। दूसरा वाला जो कर्व है आपके पास वो आपका OB वाला कर्व है, और तीसरा कर्व जो है आपके पास OC वाला कर्व है। ये इससे यहाँ नीचे आपके पास वेपियर है, यहाँ आपके पास वाटर है,
और इधर आपके पास क्या है, आइस है। तो इसको समझते हैं, आपके पास यहाँ पे अब इसी डायग्राम को हमको समझना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, कर्व पे। हमें इनको समझ, इन पे फेज रूल लगाना है। कर्व मेरे पास तीन कर्व है, कौन कौन से कर्व हैं, OA ये वाला कर्व हो गया, OA कौन सा है, ये OA वाला हो गया है। दूसरा कर्व है मेरे पास OB, ये वाला कर्व, ये वाला जो कोई यहाँ से यहाँ वाला कर्व OB, और तीसरा कर्व है मेरे पास OC, यहाँ से यहाँ वाला कर्व। तो कर्व मेरे पास तीन कर्व है, OA OB OC, इन पे फेज रूल लगाना है मुझे। और मेरे पास एरिया क्या क्या है मेरे पास, AOB कौन सा वाला है, A से लेकर OB, मतलब यहाँ नीचे इस लाइन से नीचे वाला, ये इतने नीचे वाला हिस्सा हो गया। दूसरा रीजन मेरे पास है BOC, दूसरा ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात हो रही है जिस हिस्से में आइस है। और तीसरा वाला मेरे पास है AOC, कौन सा वाला, AOC, ये बीच वाला हिस्सा जिसे मैंने ये मार कर रहा हूँ मैं, ये वाला हिस्सा। तो तीन हिस्से हैं मेरे पास, और मेरे पास है यहाँ पे एक है ट्रिपल पॉइंट कौन सा है मेरा, ये जो ओ पॉइंट है ये ट्रिपल पॉइंट है। फिर से देख लीजिए, इस कर्व में हमें इन सब चीज़ों पर फेज रूल लगाना है। पहला कर्व है मेरे पास OA कर्व, दूसरा कर्व है मेरे पास OB, तीसरा कर्व है मेरे पास OC, तीन कर्व हैं, तीन एरिया हैं। पहला है AOC, AOC में कौन सा एरिया है जिसमें वो वेपियर है। दूसरा वाला है AOC, इस वाले रीजन में जहाँ पे वाटर लाई कर रहा है। तीसरा रीजन है BOC, वो वाला रीजन जिसमें आइस लाई कर रहा है। पहले देखिए AOC जिसमें वेपियर है, AOB जिसमें वेपर है, AOC जिसमें वाटर है, और BOC जिसमें आइस है। और इन रीजन को मुझे आपको समझाना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इस डायग्राम में, आपको एक कॉपी लेना है, पेन लेना है, और इसको आपको लिखते जाना है अभी मैंने जो बताया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला यहाँ पे हम सात चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है वो है कर्व है मेरे पास, कौन सा कर्व हो गया है, OA वाला कर्व, कौन सा वाला कर्व, ये वाला कर्व। किस वाले कर्व की बात हो रही है, OA कर्व को हम वेपोराइजेशन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कर्व कहते हैं। अब वेपोराइजेशन कर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे ये 100 है, वेपराइजेशन कर्व ये कहलाता है, वेपराइजेशन कर्व कहलाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ नीचे कौन सी फेस है, वेप्योर फेस है, यहाँ नीचे इससे नीचे वाला जो ये वाला रीजन जो है ये वेपर वाला फेस है, और उसके ऊपर क्या है, वाटर वाला फेस है। नीचे वेपर है, ऊपर क्या है, वाटर है। तो इस वाले कर्व में आपका H2O लिक्विड और H2O वेपर किस में है, इक्विलिब्रियम में है। H2O लिक्विड मतलब ऊपर ये देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्रॉस कर रही है, काट रही है किस किस को, दो हिस्सों में बांट रहे हैं, वेपर को और वाटर पे। तो यहाँ पे मेरे पास फेज कितने हैं, मुझे फेज रूल लगाना है इस कर्व पे, फेज कितने हैं दो। कंपोनेंट मुझे पता है, कंपोनेंट कितने हैं मेरे पास, एक ही कंपोनेंट है मेरे पास क्योंकि वाटर है, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ। हाँ वो क्या होता है, 1-2+2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। मतलब OA वाले कर्व के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टेम्परेचर, फॉर एवरी टेम्परेचर There will be one pressure, हर एक टेम्परेचर पे एक प्रेशर होगा। तो देख लीजिए जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, देखिए इस वाले कर्व का मतलब क्या है, मुझे इस वाले कर्व से मतलब है ये वाला हिस्सा। तो जब मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर मेरा कितना है, 180 atm है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे इससे थोड़ा आगे, ये देखिए ये पॉइंट है, ये मतलब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, अगर मैं इन पॉइंट पे बात करूँगा, हर एक पॉइंट इस फेज, इस पॉइंट पे क्या है, इस
पॉइंट पे दो फेज हैं, वाटर और वेपर दो इक्विलिब्रियम में है। अगले वाले पॉइंट पे मैं पहुंचता हूँ वहां पे भी वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन लेकिन क्या है उस समय टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा 100 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे प्रेशर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा, या फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर उसके रिस्पेक्ट में बढ़ते जाएगा। किस कर्व पे? इस वाले कर्व पे, AO वाला जो कर्व है। तो इसी तरीके से मेरे पास एक प्रेशर के लिए एक टेम्परेचर होगा, तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई मेरी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई। अगर मैं बढ़ते जाऊं तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, जिस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इससे नीचे क्या है, वो दोनों इससे नहीं, इस पॉइंट तक तो क्या है, तो ये सिस्टम वाटर और वेपर दोनों में इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन लेकिन इस वाले पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे दो फेज है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे वो जब पहुंच रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही फेज है, और वो कौन सी फेज है, वेपर वाली फेज है। तो ये कर्व OA के बारे में हमने बात किया। अब जो दूसरा कर्व है, दूसरा कर्व को अब देखिए, इसको उतार दीजिए आप एक बार। अब दूसरा जो कर्व है, दूसरा कर्व कौन सा है आपके पास, मैं इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ। अगर OB कर्व है इसको वेपराइजेशन कहते हैं, ये है आपका सबलिमेशन कर्व। कौन सा कर्व? सबलिमेशन। तो यहाँ पे इसको क्या हम क्या कहते हैं, सबलिमेशन कर्व। क्या कहते हैं? सबलिमेशन कर्व। कौन सा? OB वाला कर्व, सबलिमेशन कर्व। अगर आप इस कर्व पे देखेंगे, इस कर्व, ये वाला कर्व देखेंगे आप, तो इसके ऊपर वाले हिस्से पे आइस है और नीचे वाले हिस्से पे कुछ हद तक आपके पास वेपर है। ऊपर आइस है, नीचे क्या है, वेपर है। तो यहाँ पे मतलब क्या है आपका, H2O सॉलिड और H2O वेपर किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इस किस वाले में, इस वाले कर्व के रिस्पेक्ट में, ऊपर आइस है, नीचे क्या है, वेपर है। तो इसका मतलब आपका H2O सॉलिड और H2O वेपर किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ पे दो फेज हैं, सॉलिड और वेपर, दो फेज। फेज कितने होंगे? दो। कंपोनेंट तो अभी भी एक ही होगा, वन कंपोनेंट सिस्टम है वाटर। तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ, एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एक। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी टेम्परेचर देयर विल बी वन प्रेशर। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे जैसे जैसे मैं जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाता हूँ, वैसे वैसे मेरे टेम्परेचर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। तो ये कर्व OB कर्व है। अब तीसरा जो कर्व है, इसको, ये दूसरा वाला कर्व था, अब ये तीसरा वाला कर्व है। और तीसरा वाला कर्व कौन सा है, मेरे पास तीसरा वाला जो छूटा है, ये कौन सा कर्व है, OC वाला कर्व है। अगर आप देखेंगे इस वाले कर्व को हम कहते हैं फ्यूजन कर्व। क्या कहते हैं? फ्यूजन कर्व कहते हैं। तो फ्यूजन कर्व जो है, इस फ्यूजन कर्व पे आपका आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है। H2O आइस और H2O लिक्विड, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। देखिए, इस हिस्से में वाटर है, इस हिस्से में आपके पास आइस है, तो फेज कितने हैं, दो फेज है, एक आइस है। इस वाले रीजन में, OA वाले कर्व में, एक तरफ उसका वाटर है, दूसरी तरफ आइस है। तो फेज कितने हैं, दो। कंपोनेंट अभी भी एक ही होगा क्योंकि वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होगी, वन होगी। तो फॉर एवरी टेम्परेचर देयर विल बी वन प्रेशर। पर एक चीज देखिए, जैसे जैसे आप प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्टीपर है, ये स्टीपर कर्व है, तो वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू, मतलब देखिए, इस पॉइंट पे अगर मेरे पास, मुझे टेम्परेचर और प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, प्रेशर मैंने ऊपर किया, तो मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा। देखो मतलब क्या है, मैंने पहले कहा कि इस वाले पॉइंट पे, अगर इस वाले पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, वेपर ये निकालना है, टेम्परेचर देखूंगा मैं, प्रेशर देखूंगा, उस पे रिस्पेक्ट में मेरे पास एक टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को, प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होंगे, घटेंगे। जबकि पहले क्या हो रहा था, अगर प्रेशर बढ़ रहा था तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था
तो आपका वेपराइजेशन भी बढ़ रहा था, तो ये कर्व कहलाता है मेरा फ्यूजन कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजन कर्व कहलाता है। तो और अब मैं एरिया के बारे में बात करने वाला हूँ। कर्व के बारे में बात हो गई है, अब हम एरिया के बारे में बात करने वाले, किसके बारे में बात करने वाले हैं? एरिया के बारे में। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से इसको मिटा देता हूँ, बहुत सारी रफ यहाँ पे हो गया है। आप लोगों को कॉपी पेन लेके इसको समझते रहना है। यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये मेरा ओ ए कर्व है, फिर मेरे पास ओ बी कर्व है, और एक मेरे पास क्या है, ओ सी कर्व है। तो अब रीजन कौन कौन से, एरिया कौन सा था आपका, ए ओ बी। यहाँ नीचे मेरे पास वेप्योर है, और यहाँ ऊपर मेरे पास क्या है, वाटर है, और इधर मेरे पास क्या है, आइस है। तो अगर आप देख रहे हैं ए ओ बी भी रीजन में आपके पास क्या है, वेप्योर है, वेपर है। ए ओ बी में के रीजन में वेपर है, जबकि आप ए ओ सी के रीजन में चलते हैं, ए ओ सी इस वाले रीजन में चलते हैं, आपके पास वहां पे क्या है, वाटर है। और जब आप बी ओ सी वाले रीजन में जाते हैं, बी ओ सी वाले रीजन में जाते हैं, तो वहां आपके पास क्या है, आइस है। वहां पे आपके पास क्या है, आइस है, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या है, आइस है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइस है। तो मतलब इस वाले रीजन में, ए ओ बी वाले रीजन में वेपर है, ए ओ सी में वाटर है, और बी ओ सी में मेरे पास क्या है, आइस है। मुझे एक बात समझनी है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स जो इक्विलिब्रियम में है, इधर वाई है और जेड में है। अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करूँ, चेंज करूँ, तो एक्स कहाँ कोऑर्डिनेट कहाँ पहुँच जाएगा, वाटर में पहुँच, वाई में पहुँच जाएगा। एक्स मतलब वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, वेपर में पहुँच जाएगा। या फिर ये कहिए कि आप वाई वाले को देखिए, इस वाई वाले कोऑर्डिनेट में, इस वाले वाई वाले पॉइंट में आपके पास एक टेम्परेचर और प्रेशर होगा, आप उस टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके एक्स से वाई पे जा सकते हैं, या वाई से एक्स पे आ सकते हैं। जो आपके पास वाटर वाली फेज होगी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे कहिए कि वेपर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर एक्स आपका जेड में आ सकता है, जेड आपका एक्स में आ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज करेंगे। तो अगर आप फेज रूल लगाएंगे, आप यहाँ पे फेज रूल लगाएंगे, तो सी माइनस पी प्लस वन पी प्लस टू फेज रूल, तो इस वाले पॉइंट, इस वाले एरिया पे, किस वाले एरिया में, ए ओ सी वाला जो एरिया है, वहाँ पे डिग्री कंपोनेंट कितने हैं, एक, फेज कितना है, एक। ए ओ सी वाले रीजन में सिर्फ मेरे पास वाटर ही, तो फेज वन, तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाल सकता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए मेरे वहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, दो। तो मतलब मैं इस ए ओ सी इस वाले रीजन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज कर सकता हूँ, जबकि इसके लाइन पे क्या हो रहा था, सिर्फ हम एक ही चीज में चेंज कर पा रहे थे कर्व में, लेकिन एरिया में मैं दोनों में चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं वाटर वाली फेज से टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके वेपर पे पहुंच सकता हूँ, और वेपर से मैं कहाँ पे पहुंच सकता हूँ, आइस पे पहुंच सकता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात जो आती है वो है मेरे पास क्या, ट्रिपल पॉइंट। क्या है आखिरी बात जो है वो है मेरे पास क्या, ट्रिपल पॉइंट। क्या है दोस्त, ट्रिपल पॉइंट। और क्या होता है ये ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मेरा ओ ए ओ बी ओ सी जो कर्व है, ओ ए क्या था, वेपोराइजेशन कर्व, ओ बी क्या था मेरे पास, सबलिमेशन कर्व, और ओ सी क्या था मेरे पास, फ्यूजन कर्व। ट्रिपल पॉइंट वो कर्व है, वो पॉइंट है मेरा जहाँ पे वेपराइजेशन कर्व, सबलिमेशन कर्व और फ्यूजन कर्व तीनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो पॉइंट कहलाता है मेरा ट्रिपल पॉइंट। अगर मैं ट्रिपल पॉइंट पे फेज देखूँ, तीन कंपोनेंट तो एक है, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, सी माइनस पी प्लस टू रखो फॉर्मूले में, सी कितना है, एक, पी की वैल्यू कितनी है, तीन प्लस दो, तो आंसर एफ कितनी होगी, जीरो। तो मतलब ये वाला जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जीरो है। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन भी आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम टू भी आया, और जीरो। जीरो होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे ना तो आप टेम्परेचर को से छेड़खानी कर सकते हैं, और ना ही आप प्रेशर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं।
थैंक यू।